एवरीबडी, हाय विजीत, हाय सबाहत, हाय साहिब, हाय भारती, हाय लवली, हाय राजीव, हाय निधि, हेलो टू ईच वन ऑफ यू। हाउ आर यू गाइस डूइंग? फटाफट से बता देंगे, कैसन बा, क्या हाल चाल है तुम सभी लोगों के? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। हेलो एंड वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। अरे वाह, क्या जोश है, क्या जज्बा है। हाय रूही, हाय रागिनी, हाय उदय, हाय हाय ओम प्रकाश, हाय जीत, हेलो। ओके, लवली लवली टू सी ऑल ऑफ यू। क्या ही बात है, नूर जहान, रेबी, नहीं जी मैं आडा के साथ ही एसोसिएटेड हूँ। हाय पूजा भारती, आई एम गुड, हाय हाय ब्यूटीफुल पीपल। तुम लोग का जोश को देखे ना, ऐसे एकदम ठीक बा आपने के कैसन बा, आई एम वेरी वधिया, थैंक यू सो मच। हाय नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम, सलाम वालेकुम सारे के सारे प्यारे स्टूडेंट्स को, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लासरूम में, आदा 24/7 प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है निधि अरोरा और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 25 नंबर की अंग्रेजी। चंगा जी, बढ़िया, ठीक से कट जाएगा अपना टाइम अगर इतने ही बच्चे डेली क्लास में आए तो। होता क्या है, पेड क्लास में भी पहली क्लास में आ जाते हैं बच्चे देखने के लिए, अच्छा ये मैम है, फलाना ढिमकाना इनका देख लेंगे अगर जरूरी होगा तो। लंच हो गया है, थैंक यू। फायदे और नुकसान बता देती हूँ, आप उम्मीद करूंगी आप लोगों ने भी लंच कर लिया हो। 100 नंबर का है हमारा जनरल पेपर नंबर 1, ठीक है। कितने स्टूडेंट जनरल पेपर से हैं मैं जानना चाहती हूँ। एक बार पोल आएगा आपके पास और आप मुझे बताएंगे कि, देखो जनरल पेपर तो सब देंगे, एक दो पोल रन करवाऊंगी, एक तो सिर्फ जनरल पेपर वाले, दूसरा अगर किसी के पास इंग्लिश टीजीटी और इंग्लिश पीजीटी है या नहीं है, ठीक है। दो पोल आएगा, रुकिए जरा। जनरल पेपर वाले तो सारे स्टूडेंट्स होंगे ही, वेरी गुड, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो क्या बात है। 140 बचे, मेरा नाम शो नहीं हो रहा है, सबका नाम शो हो रहा है। कीर्ति अनु, मेरा थोड़ा सा बीपी लो सर हो रहा है मुझे, एक्चुअली मैंने पानी नहीं पिया है 2 घंटे से, तो मैं पानी की बॉटल बीच में लेकर आऊंगी, बट टेलीग्राम लिंक आपका बना देते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स अपना फटाफट से टेलीग्राम लिंक बना लीजिए, एक बच्चा कोई भी लिंक बना लो, ऑफिशियल हम बना लेते हैं, मुझे ऐड कर दो, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ऐड कर दो, वहीं सारे नोट्स वगैरह भेजते रहेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। पोल आ गया होगा, ठीक है, चलिए। अब देखिए फायदे और नुकसान बता देती हूँ। पहला पेपर 100 नंबर का है, ठीक है। इस एग्जाम में कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, 100 नंबर में से 75 नंबर हैं आपके हिंदी या उर्दू या बांग्ला के, और 25 नंबर हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये है कंपलसरी, तो हर एक बच्चा आएगा, अंग्रेजी जिसका भी वीक है वो पढ़ाई करके जाएगा, समझते हो ये बात, जल्दी बताएंगे। अरे पोल क्यों नहीं आया, यस या नो वाला, हेलो पोल कहाँ गया, आ गया, 100% जनरल पेपर। चलिए दूसरा पोल आएगा, अभी इंग्लिश के टॉपिक सब कुछ करवा दूंगी, सब कुछ कीर्ति, बिल्कुल टेंशन ना खो, सब कुछ बताएंगे आपको। अब ये जो इंग्लिश कंपलसरी है, जो अपना पहला पेपर है ना, उसमें ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में कुछ अटेम्प्ट नहीं करके जाओगे, पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तब जाके पेपर क्लियर होएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम 25 में से 25 स्कोर कराएंगे, और जैसे ही आपकी अंग्रेजी तेज होगी, जिन बच्चों ने हिंदी ले रखी है इसका भी आधा पोर्शन तो हो ही गया, जितना इंग्लिश पढ़ा उतना आप हिंदी पढ़ चुके हो, यानी कि 50 नंबर आ गए आपके।
जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अपने सब्जेक्ट में आपको जो है हेल्पफुल होगा, मिलेगा। अंग्रेजी से बच्चा क्यों डरता है ये बता देती हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में बच्चे को लगता है, दो प्रकार का बच्चा है, एक तो लगता है कुछ ज्यादा ही इजी है तो पढ़कर क्या करना है, ये बच्चा है ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये बच्चा क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट है, हिंदी उसको बोलनी तो आती है लेकिन व्याकरण आती नहीं, तो वो हिंदी पढ़ लेगा, अब अंग्रेजी से एक शब्द नहीं हिलेगा, ठीक है। दूसरा बच्चा है अंडर कॉन्फिडेंट, उसे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है अंग्रेजी, ठीक है, क्योंकि उसने अभी सही जगह से पढ़ी नहीं है। आपको ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो डोसेज मिला है ना, बहुत उमदा मिला है। ऐसी अंग्रेजी पढ़ोगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि अंग्रेजी इतनी आसान हो सकती है। आज सुबह ही हमारे सीटेट के स्टूडेंट ने एक कमेंट किया और बोला कि मैम आपने जो है अंग्रेजी हमें पढ़ाई, हम हिंदी के शब्द कठिन लगने लग गए हैं। तो ये एक एस्पिरेशन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही आसान बनाया जा सकता है, किसी को भी डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रोफिशिएंसी। आपको पता है प्रोफिशिएंसी क्या होता है? भाषा में पारंगत होना। साइंस ऐसा कहती है अगर आपकी हिंदी निपुण है तो आपकी अंग्रेजी की प्रोफिशिएंसी भी अपने आप निपुण हो जाएगी। द रीजन वाई वी लैक इन इंग्लिश इज बिकॉज वी आर नॉट प्रोफिशिएंट इनफ इन हिंदी। हमें हिंदी नहीं आती तो हम अंग्रेजी तो क्या ही बोल पाएंगे। दोनों ही लैंग्वेज को साथ लेकर चलो, बराबर इंपॉर्टेंस दो। हाँ, जो डिफिकल्ट लगती है उसको थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। दोनों ही भाषा बराबर रूप में पढ़ो। और इसका फायदा क्या होगा कि आपका लैंग्वेज में स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो अपना पीआरटी वाला पेपर, ठीक है, टीजीटी वाला पेपर और पीजीटी वाला जो पेपर है 120-120 नंबर वाले, उसमें आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों ही भाषा में बढ़ जाएगी। सुबह उठ के कितने बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम मंजन करने जा रहे हैं वर्सेस दूसरे कहते हैं हम ब्रश करने जा रहे हैं। बताओ, ईमानदारी से बताना, मंजन बोलते हो या ब्रश, बताइए जल्दी से। रात को शुभ रात्रि बोलते हो या गुड नाइट। मुझे आकर ग्रीट करते हो तो गुड आफ्टरनून बोलते हो क्या या नहीं बोलते हो? ब्रश बोलते हैं। देख लो, तुम्हारे सामने है ये, जब तुम्हारी सुबह ब्रश से हो रही है, तुम बेड अपना साफ कर रहे हो, ठीक है, तुम टूथपेस्ट बोल रहे हो, ये तो बेसिक अंग्रेजी जो तुम्हें इतना आ रहा है बोलना, तो यही तो है बीपीएससी का एग्जाम। बाथ, ठीक है, ये सब कुछ बी फॉर, ये सारे ही वर्ड्स हैं बीपीएससी का एग्जाम। इतने वर्ड्स के आसान है, इतना ही इजी है। गुड नाइट बोलते हैं, देखो तुम्हारे सामने ही है। मैंने नहीं बोला चैलेंज करो मुझे आके ऐसे कैसे बोल दिया मैम ने। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमने मान लिया और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हिंदी में अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको नहीं बोला मैं तो अंग्रेजी सिखाऊंगी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं तो अंग्रेजी ही में ही बात करूंगी, मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, ये मेरी क्लास का यूएसपी है, ठीक है। हमारे अभी जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम हमारा एनवीएस का हुआ, फिर हमारा एग्जाम हुआ एचटेट का, पुराना DSSSB का भी एक हमारा एग्जाम हुआ था, ठीक है, फिर हमारा एग्जाम जैसे सीटेट का भी हुआ है, फिर हमारा एग्जाम केवीएस का हुआ है, फिर हमारा एग्जाम एचएसएससी का हुआ है, फिर केवीएस के इंटरव्यूज भी चल रहे हैं अभी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के, अभी पीआरटी के भी आने वाले हैं, और फिर अब हमारा सीटेट ले देके फिर से आ गया, ठीक है, फिर DSSSB की भी नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, EMRS का भी एग्जाम है। ये सारे एग्जाम में पता है कॉमन बात क्या है? लैंग्वेज, और कुछ आए ना आए, लैंग्वेज पक्के रूप से आ रही है। इनफैक्ट लैंग्वेज को लैंग्वेज ही समझो, सब्जेक्ट मत समझो। इस क्लास में अंग्रेजी को कोई सब्जेक्ट नहीं, विषय नहीं मान के चलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विषय एंड भाषा। आपकी जो अंग्रेजी है वो भाषा है, और कौन सी भाषा? लक्ष्य भाषा है। उसको मैं ऐसे सिखाऊंगी कि आप जो है अपनी पहली लैंग्वेज बना लोगे बहुत प्यार से, ठीक है। चलिए अब आपको आपका सिलेबस दिखा देते हैं। मेरा जो कोर्स प्लान है वो मैंने इतना सहजता से बनाया है कि आपका 20 दिन में जो है पेपर निकल जाएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से। अब उसको जो है थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं हम लोग। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे अपने स्टडी प्लान को देख सकते हो ये क्लास में मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो जाओगे RR247 वेबसाइट पर, जहाँ से कोर्स खरीदे थे तुम, ठीक है, कोड लगा के क्लास ली हूँ। देखो सोनम कुमारी कितने प्यारे हैं, मैम आपका कोड लगा के क्लास ली हूँ, क्योंकि आपने केवीएस में पढ़ाया था, अच्छा नंबर आया था, जबकि ठीक से पढ़े भी नहीं थे। वाह वाह, ये सब तुम्हारी मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है। मैं एक सारथी हूँ यहाँ पे, आपकी दोस्त हूँ, आपकी सारथी हूँ, आपकी फैसिलिटेटर हूँ, टीचर नहीं हूँ, ठीक है। टीचर हूँ भी और नहीं भी हूँ ये मान के चलो, एक दायरा मेंटेन करके रखते हैं रिस्पेक्ट का, लेकिन साथ में झिझकना नहीं है,
शर्माना नहीं है मुझसे सवाल जवाब करते टाइम, और आंसर देते टाइम भी नहीं शर्माना, गलत दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के, हाँ बता देते हैं, चलो अब दूसरा पोल आ रहा है तुम्हारे पास, इंग्लिश टीजीटी और इंग्लिश पीजीटी किस किस के पास है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं लूंगी, सिर्फ इंग्लिश टीजीटी और इंग्लिश पीजीटी, उनको थोड़ा अच्छे से समझाना है, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश पीजीटी, इंग्लिश पीजीटी और क्या है अदर, 10 सेकंड में आंसर करना है। अच्छा दोनों है, चलो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बता देंगे, सुन लो आप ध्यान से। यहाँ पे जाएंगे ऑल कोर्सेज में, गवर्नमेंट जॉब में, टीचिंग में, ठीक है। मैं आप लोगों की यहाँ क्लास लॉग इन कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो वापस से इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी से आप जाएंगे, अपने बीपीएससी के 3-4 बैचेस दिख रहे होंगे, ठीक है, हायर सेकेंडरी, बीपीएससी प्राइमरी, बीपीएससी और सेकेंडरी, ये है, ठीक है। मैं जाऊंगी सीधा पहले तो प्राइमरी टीचर पे, प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, क्योंकि सबका पहला पेपर तो है ही है इस बैच में। इधर नीचे नीचे जाऊंगी, यहाँ स्टडी प्लान है मेरा, मेरा स्टडी प्लान सबके लिए सेम है, आपको बाकी सारे टीचर्स का स्टडी प्लान चाहिए तो अलग अलग टाइम टेबल नोट डाउन करने होंगे। देखिए 9 से 10 नवनीत सर, 10 से 11 आयुष सर, 1 से 2 काजल मैम, 2 से 3 जिवेश सर, 3 से 4 निधि मैम, रीजनिंग 4 से 5, ठीक है, ज्योग्राफी 6 से 7.5, एनवायरमेंट 5 से 6, सोशल साइंस शनि सर 8 से 9, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 से 9, ये रखेंगे ध्यान में। अब क्या करते हैं हम, ये हमारा टाइम टेबल हो गया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, लिख देती हूँ बीपीएससी पीआरटी। आज पहली क्लास है इसलिए इंट्रोडक्शन हो रहा है अच्छे से, पढ़ाई आज से शुरू करेंगे लेकिन, ठीक है, ये आपकी क्लास है, इधर मैं आपका टाइम टेबल शेयर कर देती हूँ। आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप बना लो, मुझे ऐड कर दो, मैं साथ साथ आपके साथ ये सेंड करती जाऊंगी, शेयर करती जाऊंगी, देख लो जल्दी से, बता देंगे ईएमआरएस के फॉर्म के बारे में, रुक जाइए पहले तो ये। थैंक यू कीर्ति अनु, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, उनसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको फ्री क्लास के बारे में भी बता देंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को डबल कर सके। चलिए सबका टाइम टेबल बता देते हैं, ये टाइम टेबल मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरा एक साथ नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज तुम कैसे अवेल कर सकते हो। अब यहाँ देखो बीपीएससी का, दोबारा से गए बीपीएससी का प्राइमरी टीचर, अब मैं जाऊंगी सेकेंडरी, सेकेंडरी में तुम्हारे अपने अकॉर्डिंग बैचेस हैं, मैं शेयर करूंगी टीजीटी इंग्लिश वाले से, ठीक है। एक बार तुम्हारा पोल रिस्पांस देख लेते हैं, तो हमारे जो टीजीटी इंग्लिश के हैं वो 21 बच्चे हैं, पीजीटी इंग्लिश के 16 है और दूसरे सब्जेक्ट के 61 है, तो मतलब और भी सब्जेक्ट से तुम लोग आए हो, चलिए मान ली तुम्हारी बात, बहुत बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या करना है कि मैं जाती हूँ जैसे इंग्लिश में, टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए आपकी क्लास में लिटरेचर नहीं पढ़ाऊंगी मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, लिटरेचर एनसीईआरटी पे आधारित है, 9 to 12 पता ही है ये बात तो आपको, इसमें ये सब कुछ है डिटेल्स और साथ में यहाँ स्टडी प्लान है टीजीटी इंग्लिश का, ठीक है। सेकेंडरी इंग्लिश स्टडी प्लान, इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, सोशल साइंस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है लिटरेचर की क्लासेस 7 से 8, ठीक है। तो
तो इधर मिल रही है। अब मैं क्या करती हूँ, इधर जाती हूँ, इधर टिक करती हूँ, और क्या मिल गया आपको? ग्रामर BPSETGT इंग्लिश, ठीक है। और ये स्टडी प्लान आप तक पहुंचा देते हैं। इस टाइम टेबल को अच्छे से देख लेना, टाइम वाइज स्टडी प्लान क्या क्या है। मेरा इंग्लिश का प्लान तीनों जगह सेम है, हर जगह सेम है, हर बैच में। तो मैं कोई भी एक बैच दिखा दूंगी आपको, ठीक है। क्लोज कर देते हैं, अब आ जाते हैं वापस से बिहार के हायर सेकेंडरी पे। पीजीटी इंग्लिश दिखा देती हूँ, आप बाकी लोग सबको जनरल सेम रहेगा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट वाला टाइम टेबल है वो इनमें से अलग अलग जगह, जैसे मैथ्स वाले यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, फिजिक्स वाले यहाँ से करेंगे, तो अपने अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग करना, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश का चाणक्य बैच में, इधर जाओगे डिटेल में, और ये रहा स्टडी प्लान आपका पीजीटी इंग्लिश का। इसमें मेरी क्लास वही है, इस क्लास में सारे के सारे बच्चे हैं, हिंदी है, मैथ्स है, जनरल अवेयरनेस जिवेश सर की है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, सोशल साइंस है, इंडियन नेशनल मोमेंट, और आरती मैम की इंग्लिश है आपकी 12 से, ठीक है, तो 11वीं 12वीं के लिए। अब ये टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये रहा आपका बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश, तीन हैंडआउट्स भेजे हैं, तीनों को पिन कर देती हूँ मैं। पहले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप बना लो अपना जल्दी से, ठीक है, तीन तीन लिंक पिन कर चुकी हूँ मैं। देखो इंग्लिश में सिर्फ एनसीईआरटी दिखा भी देती हूँ मैं, जैसे मेरी क्लास देख लो। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, वाक्य क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन प्रैक्टिस, हर बार बीच बीच में प्रैक्टिस टेस्ट दिए हूँ। फिर आ जाता है अपने पास में, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स डिटर्मिनस पंक्चुएशन मॉडल्स एक ही क्लास में, टेंसेस तीन क्लास में, फिर पढ़ोगे वॉइस दो क्लास में, नरेशन तीन क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक क्लास में, इडियम्स एंड फ्रेजेस एक क्लास में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक क्लास में, क्लॉजेस दो क्लासेस में, सिंथेसिस दो क्लासेस में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है अपनी तीन क्लासेस में, और प्रैक्टिस है लास्ट में। तो 18th जुलाई को आपका लास्ट बैच होगा। आज क्या है अपनी 8th of June, 8th June से 18th July, एक महीने से ज्यादा का बैच है, ठीक है, 8th June 18th July, इतना शानदार टाइम टेबल आप लोगों का बनाया हुआ है कि एग्जाम ना चाहते हुए भी क्वालिफाई होगा। अगस्त में आपका एग्जाम है, रिवीजन के लिए भरपूर टाइम आपको मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लासेस अभी लिखी हुई है, टाइम टेबल टीचर आपको जो है साथ साथ टाइटल चेंज करके बताते रहेंगे, समझ गए आप ये बात। चलिए बहुत शानदार तरीके से अब जो है आपका स्वागत किया जाए और आज के टॉपिक को शुरू किया जाए। मुझे एक मिनट का टाइम आप दे सकते हैं, मैं पानी की बॉटल ले आऊं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, उसके बाद जो गाना गाते हुए, मेरी क्लास में एक स्पेशलिटी है, एक तो हिंदी से इंग्लिश पढ़ोगे यानी कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ोगे, दूसरा गाने वाने आते रहेंगे क्लास में, क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है तो उससे पढ़ाने में मुझे अलग ही मजा आता है, ठीक है। कोई बात नहीं श्वेता, आज तो इंट्रोडक्शन था, कल से 3 बजे आ जाइएगा जरूर, थैंक यू। एक मिनट का जो है, थैंक यू।
हाय गाइस, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एक स्टूडेंट का कमेंट था मैम, वो बना दूं टेलीग्राम ग्रुप ने की और पूछ पूछ महफूज जी शायद कह रहे थे, प्लीज फटाफट से बना दीजिए और अभी के अभी ऐड कर लो स्टूडेंट्स को. आज सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं, कल आएंगे भी नहीं इतने, आज के आज लगे हाथ ऐड कर दो, मुझसे शेयर कर दो. ठीक है, एक ग्रुप है हमारा, ये देखो ये रहा. ये रहा अपना सीटेट इंग्लिश है. ठीक है, इंग्लिश बाय निधि मैम है, दो तीन ग्रुप है मेरे, यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर लो. ये रहा, ठीक है, इंग्लिश बाय निधि मैम, इसमें पे इसमें मुझे ऐड कर दो या यहाँ मैं शेयर कर दूंगी स्टूडेंट्स के साथ. ठीक है, तो ये बढ़िया रहेगा अपना. चलिए शुरू करते हैं लिटरेचर. आपको आरती मैम और ऋश्वर्या मैम दो फैकल्टीज हैं, वो मिलकर लेंगे, वो आपको बता देंगे सारी चीजें कैसे पढ़ना है. ठीक है, मैं आपको जो तैयारी करवाने वाली हूँ, सुन लो भाई ध्यान से, जनरल पेपर का 25 नंबर. ठीक है, ये आपके मेरे हाथ है. उसके बाद जो टीजीटी, अगर इंग्लिश की बात करें, हमारा एक पैटर्न है और मैं तुम्हें सच्चाई से बता रही हूँ. हमने एनवीएस देखा, हमने एचटेट देखा, हमने केवीएस देखा, एचएसएससी देखा, ठीक है, सारे एग्जाम देखे. ग्रामर की वेटेज काफी ज्यादा है लिटरेचर से, इतनी ज्यादा है. अभी एचएसएससी का हमारा हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उसमें 4 क्वेश्चन, इनफैक्ट नॉट इवन 4, 3 क्वेश्चन थे इंग्लिश लिटरेचर के, बाकी के बाकी जितने भी 50 में से 45 क्वेश्चंस थे वो ग्रामर के थे. तो अच्छे से फोकस कर लो, पास हो जाएगा अपना एग्जाम. तो अब ये जो लिटरेचर है ना, आपको पता है कि ये जो जैसे 120 नंबर का है, तो उसमें कुछ वेटेज आपकी जो है उसकी है पीआरटी वाले की, लेकिन कुछ वेटेज अपनी जो है इंग्लिश की है. तो आप कम से कम 50 नंबर लेकर चलो मैक्सिमम ग्रामर के, एंड सेम गोज फॉर पीजीटी इंग्लिश. 50 नंबर लेकर चलोगे तभी कुछ कर पाओगे. यहाँ पे भी पीजीटी इंग्लिश में भी 50 नंबर. तो ये मैं कंपल्सरीली बोल रही हूँ, अपने जितने भी दोस्त हैं लोग बाग, मैं कह रही हूँ ग्रामर को जितना ज्यादा मान के चलो वो समझ लो. अच्छा स्कोर अगर लेकर आना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, वरना तो लटके रह जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये मेरी बात इतनी सी मान लेना. समझ गए बात, जल्दी बताओ. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंसेस. आधे घंटे में पढ़ना है ये टॉपिक, कैसे पढ़ सकते हैं आ जाओ समझा दे तुम्हें. मुझे ना मूवी देखना बहुत पसंद है, थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को ये बात चमक रही हो तो. तो जैसे मैं मूवी देखती हूँ तो मैंने देखा मूवी के दो पार्ट है, बीच में पॉपकॉर्न टाइम होता है. ठीक है, तो ये भी हमारी जिंदगी भी कुछ मूवी की तरह है, जिसमें शुरुआत में सलमान खान की, सल्लू भाई की, किसी की एंट्री होती है. वो सल्लू भाई कौन है, हमारा सब्जेक्ट है. एस फॉर सल्लू भाई, एस फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आ सकते हैं सिर्फ, या तो संज्ञा आएगा या सर्वनाम आएगा. ठीक है, और बीच में वो कुछ एक्शन करते हैं, मारपीट करना, मार पिटाई, जो भी हो रहा है, लाइट्स कैमरा एक्शन, वो एक्शन हम अपनी वर्ब है, या आप पॉपकॉर्न भी खा रहे हो बीच में तो एक वर्ब है. लास्ट में कर्ता और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होता है, कि लास्ट में हीरो हीरोइन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जुदा हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, जो भी होगा वो ऑब्जेक्ट है, पर उस ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन ही आ सकते हैं. तो सल्लू भाई या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की एंट्री हुई तो उनका क्या होगा, वो अपना नाउन या प्रोनाउन है. समझ गए. तो एक वाक्य का जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. क्या ये बात हमें क्लियर है, जल्दी बताएंगे. मैं सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक की ही आपको बातें बताती हूँ. ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात मैं ऑलमोस्ट और लगभग हर क्लास में डिस्कस करूंगी. हर क्लास में आपसे पूछूंगी कि वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, आप बताएंगे ये, और वहीं से ही हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे. ठीक है निशा, ठीक है नूर. चलिए, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि निशा likes English, निशा को इंग्लिश पसंद है, मैंने ये बोला, बहुत सिंपल सा वाक्य था अपना.
तो यहाँ पे देखो निशा मेरा सब्जेक्ट है, नाउन है, लाइक्स उन्होंने कोई काम किया वर्ब है, इंग्लिश भी मेरा एक सब्जेक्ट था सॉरी एक नाउन है तो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं निशा की जगह यूज करती शी, ठीक है, लाइक्स के लिए कोई और काम कर लो, शी ऑफर्स या शी हेट्स हिम, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन भी आ सकता है, तो ये अगेन मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है हेट करना नफरत करना, और हिम भी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ मेरा क्या था, ये नाउन था, ये प्रोनाउन, ये नाउन, ये प्रोनाउन, वर्ब आ गई बीच में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये बात समझ में आ गई है। मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप शेयर नहीं किया है, कैन वी टॉक हियर और स्पीकर ओनली, वी कैन नॉट टॉक हियर एज ऑफ नाउ बट द प्रोसेस इज अंडर पाइपलाइन, वी विल बी एबल टू टॉक इन सम टाइम, सो डोंट यू वरी। चलिए अच्छा बढ़िया बढ़िया तरीके से बता दीजिए, लिटरेचर भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है भाई, नहीं पीआरटी के लिए नहीं पढ़ना, पीआरटी के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ पीजीटी और पीजीटी वालों को लिटरेचर पढ़ना है, ठीक है। स्टडी प्लान दोबारा पिन किया हुआ है मैंने, दोबारा सेंड करने की जरूरत है नहीं काजल, वरना हम इसी में ही लगे रहेंगे, ठीक है। चलिए बाकी टेलीग्राम में भेजूंगी अपना, मस्त कभी भी देखते रहना। टेलीग्राम लिंक आपने बना दिया है क्या? एक काम करते हैं, मैं ये वाला टेलीग्राम लिंक पिन कर देती हूँ, फिर एक स्टडी प्लान गायब हो जाएगा। तो एक को अब अनपिन करना पड़ेगा, तब जाके कोई तीन हो पाएंगे। पहले वाला स्टडी प्लान मैं अनपिन कर रही हूँ, इसको पिन कर रही हूँ। टेलीग्राम लिंक पिन कर दिया, देख लीजिए महफूज जी, और इसमें अपना ग्रुप ऐड कर लो। ये समझ में आ गया सबको, प्लीज थम्स अप दे दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। ये सब्जेक्ट पता चल गया, नाउन या प्रोनाउन है, वर्ब पता चल गई आपको, और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया है नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ही सारे प्रकार के सेंटेंसेस आपको पता चलने वाले हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्या ये बात हमें क्लियर है? चलिए जी, ये क्लास पीजीटी जनरल टीजीटी सबके लिए है। महफूज जी आप टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी का अलग से बना लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं ये हैंड आउट नहीं शेयर करूंगी, वहां पे तो बहुत सारे हॉच पॉच हो रखा है सब कुछ, वहां पे बहुत सारे बैचेस के बच्चे हैं, आप अपने बैच के लिए एक अलग से टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। चलो भाई सुनो भाई ध्यान से, अभी 211 214 बच्चे थे, सुन लो ध्यान से सारे के सारे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब ध्यान से सुनेंगे, जान लगा रखिए इस बैच में। हाय आदिति जी, ये वो वाला ग्रुप है ही नहीं डाउट पूछने वाला,
मैं तो यहाँ ग्रुप में आप लोगों का ग्रुप पिन कर दूंगी, या मुझे वहां से ऐड कर लो, इसलिए आपकी रेफरेंस के लिए भेजा है। आप अपना अलग से ग्रुप बनाओगे बीपीएससी का, इसमें नहीं भेजेंगे। डाउट मुझे भी पता है, मैं सॉल्व करने है, ठीक है। चलिए, जिन भी स्टूडेंट्स को की बातचीत अगर हो गई हो कंप्लीट, तो आप एक बार थम्स अप दे दीजिए, हम आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या होते हैं, सुनो ध्यान से भाई, थम्स अप दे दो एक बार, बता दो मुझे। पहली क्लास में अपने टीचर को अभी जान रहे हो, टीचर को जान रहे हो, मुझे नहीं किसी भी टीचर को जान रहे हो, एक हफ्ता का टाइम दो, उसके बाद देखो क्या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है। एक दिन में डिसाइड मत करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा तो नहीं है, आप लोग बना लीजिए आपस में शाबिया, ठीक है। चलिए अब सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, पहला सेंटेंस है डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस में आप कोई घोषणा करते हो, ठीक है, जैसे कि आई लाइक इंग्लिश, आपने एक बात कही, ठीक है, एक्सेप्टेबल। दूसरे टाइप का वाक्य है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप किसी को कमांड दे सकते हो, ऑर्डर की, डू दिस, डू दैट, शट योर माउथ, शट अप, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द लाइट्स, ऐसे करके आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी अ बिट, ठीक है, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज दिख जाएगा आपको, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू नो बी साइलेंट, ऐसे करके। एडवाइस दे रहे हो, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है, यू शुड नॉट गो आउटसाइड एट दिस आवर, ऐसे करके आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। खुशबू सिंह जी कह रही है, मैं बहुत पहले से जानती हूँ, सीटेट क्वालिफाइड, थैंक यू खुशबू। टोटल सेंटेंस कितने होते हैं, मेरी इंग्लिश बिल्कुल ठीक नहीं है, टोटल सेंटेंस चार बोलते हैं कुछ, फिर अलग अलग तरीके से विभाजित कर देते हैं, फिर और चार पांच, मैं सारे जितने टाइप होते हैं सब एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर एडवाइस दे रहे हो। तीसरे टाइप का वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट इज नॉट इंटेरोगेटिव, इट इज इंट्रोगेटिव, थैंक यू कल्पना। इंट्रोगेटिव में आप इंक्वायरी करते हो, पूछताछ करते हो। इंक्वायरी कितने तरीके से हो सकती है, एक तो डब्ल्यू एच फैमिली है, डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, कौन, क्या, कब, जैसे बोलते हैं ना, क्या क्या क्या, है ना, तो कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, what, where, why, who, whom, whose, which, where, ऐसे करके। helping verbs भी question mark से लगा सकते हैं, जैसे कि has she left for the school, am I doing fine, was she willing to give me that book। helping verbs क्या क्या होते हैं, helping verbs बताइए क्या क्या होते हैं helping verbs। आगे जब वर्ब्स पढ़ाऊंगी तो डिटेल में बताऊंगी, अभी पढ़ लो हल्का फुल्का। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, विल, ये तो चलो उसमें आ जाएंगे मॉडल्स में, ठीक है। इज शी फाइन, एम आई डूइंग वेल, आर दे गोइंग टू द पार्क, वॉज शी फीलिंग वेल, वर दे गोइंग इनसाइड, डू यू कीप योर नेल्स क्लीन, डज शी कीप हर नोट्स अपटाइट, डिड शी गो टू द पार्क, हैज शी डन हर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, हैड शी नॉट गॉन देयर, ऐसे करके आप हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। एक आ जाता है मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इसका भी एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको, हम सब ने सुने हैं ये कहीं ना कहीं। मॉडल्स होते हैं कुछ अलग प्रकार के सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि विल या शैल या वुड या शुड या कैन या कुड या मे या माइट या मस्ट या have to, need to, नहीं, बस इतना याद कर लो अभी तो। ये होते हैं कुछ मॉडल्स, ठीक है, वेरी गुड पूर्णिमा। तो इसमें क्या लगा, विल यू कीप क्वाइट, शैल शी गो देर, वुड शी बी एबल टू हेल्प मी, शुड आई गो देर, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, मे आई कम इन मैम, माइट इट रेन टुमारो, मस्ट आई हेल्प यू, ऐसे करके, समझ गए।
सवाल जवाब इंट्रोगेटिव में तीन तरीके से पूछ सकते हो, या तो WH फैमिली से, WH क्या होते हैं इनको भी याद कर लो, फिर तुम कहोगे मैम ने बताया नहीं। WH फैमिली जिनके साथ WH लगता है, कौन, कहाँ, क्या, क्यों, हाउ, कैसे भी होता है, ठीक है। कौन सा वाला, हूज, हु, अच्छा कौन आई क्या, तो हुम, ये सब, ठीक है। चल ये कुछ हो गए अपने पास में, अब आ जाएगा अपने पास में देखिए अफर्मेटिव, नहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मतलब जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस दिखते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है विस्मय आदि बोधक। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटी, ओ माय गॉड, ऐसे करके अलास, वाओ, हुर्रा, ऐसे करके एक्सप्रेशन देकर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये विराम चिन्ह इसका सिंबल है, ये विराम चिन्ह, ठीक है, इसका साइन है। फीलिंग्स एंड इमोशंस। नेक्स्ट प्रकार का वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव यानी कि जिसमें आपको सकारात्मकता, जिसमें कोई ना कोई भी नेगेटिविटी ना दिखे। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, सारे के सारे, जिसमें कहीं पे भी नेगेटिविटी दिखी नहीं रही। इस दुनिया में दो प्रकार के वाक्य हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप क्या करते हो, हर चीज अच्छे से लेते हो, नेहा गिव्स अ नोट्स। नेगेटिव में आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो ध्यान से सुनना आप जो मैं बता रही हूँ। नॉट, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, आई हैव नेवर बीन टू स्विट्जरलैंड, ठीक है, आई ओनली लाइक यू, या फिर शी लाइक्स मैथमेटिक्स ओनली, ये एक नेगेटिव वर्ड है कि उसे सिर्फ मैथ्स पसंद है। इनफैक्ट पेडागॉजी के अंडर भी इसको नेगेटिव टर्म दी जाती है जब हम ओनली लगा देते हैं ना, कि सिर्फ, बाकी सबको हटा दिया इसलिए सिर्फ, ठीक है। या फिर एनी, डू यू हैव एनी टाइम लेफ्ट, या फिर डू यू हैव एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ भी है, तो टोन है मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो एनी एक ऐसा क्वांटिफायर है, एक ऐसा परिमाण है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में दिखाता है। पॉजिटिव होता है सम, डू यू हैव सम टाइम, ठीक है, तो मतलब एक होप है कि हो सकता है। एनी में आप कह रहे हो कुछ भी नहीं है, बस आप पूछ रहे हो पूछने के लिए, ठीक है। ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, या सिट, सिट कुछ होता ही नहीं आदित्य गुप्ता, इट्स शिट, एंड शिट इज अ नेगेटिव वर्ड, शिट इज नॉट एक्सेप्टेबल यू नो एज पर एवरीवन्स कन्वीनियंस, मतलब हम शिट लिखते ही नहीं है ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज को सर्टिफाई करने के लिए। ये एक बैड वर्ड है, मोर लाइक कस वर्ड है, ये एक अब्यूजिव लैंग्वेज में आता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रागिनी झा, आप ऐसे बोल सकते हो, ओ डैम इट, ठीक है, ओ नो, बोल सकते हो ये सब। अब आगे कुछ वर्ड्स बता देती हूँ। हार्डली, दे हार्डली गो आउट ऑन संडेज, मतलब वो मुश्किल से ही बाहर जाते हैं, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से। दे बेयरली हैव सम टाइम, उनके पास शायद ही कुछ समय है। सेल्डम होता है बहुत रेयर, आई सेल्डम गो टू द पार्क, मैं बहुत रेयर पार्क में जाता हूँ, नेगेटिव वर्ड है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, जब तक तुम ये नहीं करोगे, अनलेस है, अनलेस में आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अनटिल यू गो देयर आई विल नॉट हेल्प यू, अनटिल जब तक तुम वहां नहीं जाओगे, तो अनटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट, यू शुड स्टडी वेल, लेस सॉरी यू स्टडी, यू हैव टू स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। लेस्ट भी एक नेगेटिव है, वरना तुम फेल हो जाओगे, रेयरली भी एक नेगेटिव वर्ड है। ये कुछ नेगेटिव वर्ड मैंने आपको दिखा दिया जो नॉट नहीं लगा रहे फिर भी होते नेगेटिव है, क्योंकि इनका छुपा हुआ मीनिंग है वो नेगेटिव, ठीक है, ये बात समझ गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस WH फैमिली भी हो सकता है, नहीं मेधावी हम यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहे हैं। जैसे एक बात बताती हूँ, यहाँ पे कोई एक अप्सरा आई, ठीक है, किसी के लिए वो अप्सरा हो सकती है, किसी के लिए वो बहुत ही बेवकूफ लड़की भी हो सकती है कि अच्छी नहीं लगी, सबका अपना अपना ओपिनियन है। कोई बोले क्या लड़की है, ठीक है, या कोई बोले क्या लड़की है, तो क्या तो आया ना,
दोनों में एक्सप्रेशन है, इसमें आप सवाल नहीं पूछ रहे कि क्या लड़की है बताना जरा, नहीं, क्या लड़की है या क्या लड़की है, दोनों के अलग अलग तरीके हैं, इमोशंस हैं वो। तो WH फैमिली को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से मिक्स नहीं करोगे, आप उनके पंक्चुएशन मार्क को देखोगे, विराम चिन्ह को कि क्या लगाया हुआ है। अगर व्हाट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव है, व्हाट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी है। समझ गए बात? चलिए, ऑफकोर्स आई नो यू आदिति, चलिए थम्स अप दे दीजिए अगर ये बात समझ में आई तो। अभी सवाल आने वाले हैं आपके पास में, 211, 214, कहाँ गए तुम लोग? कल तो आधे भी नहीं आएंगे, पता है मुझे, पहली क्लास में सारा जोश निकल जाता है तुम्हारा। एक्सक्लेमेटरी को तो बहुत अच्छे से बताया मैंने। हाय कल्पना मरान जी, 5 साल से ऊपर हो गया है मुझे। सहेली कुमारी, ओके। अच्छा नाजिया, देखो एक्सक्लेमेशन में आप क्या क्या लगा सकते हो, जैसे कि What a pleasant surprise! Exclamation mark है. What a beautiful scene! Exclamation mark है. ठीक है? Wow! Oh no! Alas! Hurrah! Yeah! Exclamation mark! भाव दिखा रहे हैं आपके फेस के. पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं बोल सकती थी What are you doing? Simple सवाल है, question mark है. ये पूछ रही हूँ मैं, ये. भाव नहीं है, ये. तो interrogative, ठीक है? Hi Simu, how are you? Next देखिए, तो आपको affirmative और negative sentence समझ में आ गए? सकारात्मक नकारात्मक, he never comes on time, they hardly meet us, वो कभी समय पे नहीं आता, वो मुश्किल से हमें मिलता है, तो negative है। अब आ जाता है emphatic sentence। emphatic sentence क्या होता है? emphatic, stress दे रहे हो जब आप किसी चीज को, जैसे सुनो, emphasize करना मतलब जोर दबाव देना होता है। जोर दबाव, मैं आपको एक क्लास में 4-5 स्टडी मटेरियल दूंगी तो अच्छे से समझना है उसे। जोर दबाव दे रहे हैं हम, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूं कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, पर अगर मैं बोलूं आई डू प्ले, मैं सच में खेलता हूं यार, ठीक है? कोई बोले शी सैंग, उसने गाना गाया, ठीक है? कोई बोले ना, मैं तो नहीं मानती, अरे उसने सच में गाया भाई, she did sing, ठीक है? It feeds on microorganisms, कोई cat है या कोई भी animal है जो microorganisms पे feed करता है। मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, अरे सच में करता है भाई, तो मैं लगाऊंगी इट डज फीड, अब यहाँ फीड्स नहीं लगाऊंगी, डज के साथ फीड ही लगता है, ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एम्फेसाइज करने वाले स्टेटमेंट्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स एम्फेटिक स्टेटमेंट को दिखाते हैं। वी डिड एंजॉय अ लॉट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, आपको किसी को ब्लेसिंग्स देनी है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रहो, और वो क्या बोलते हैं, दूतो नाओ फूलो फलो, है? तो ब्लेसिंग्स देते हैं आप उसमें, मे गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, ऐसे करके, ठीक है? असर्टिव में क्या करते हो, आप कोई हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट बताते हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऐसे करके, ठीक है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस होता है जिसमें आप नकारात्मकता भी दिखाते हो और सवाल भी पूछते हो, जैसे कि व्हाई आर यू नॉट वेल, तुम ठीक क्यों नहीं हो? Didn't she ask you to stop? क्या तुम्हें उसने नहीं बोला रुकने के लिए? तो यहाँ पे interrogation भी आई है, साथ में negate भी किया है हमने sentence को, okay? Won't they understand me? Won't क्या है? एक expression है, contraction है will और not का. Didn't क्या है? Did plus not. Won't क्या है? Will plus not. So will they not understand me या won't they understand me? एक साथ लग गया है. मैम curse भी होता है, अच्छा सवाल है कि ठीक है, गो टू हेल, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या अगर हम ये बोले कि भगवान करे कि तुम्हें नरक में भेजे, तब हम कह सकते हैं, जब हम भगवान को याद कर रहे हैं,
तब आप ऑप्टेटिव लगा सकते हो. अदरवाइज अगर आप किसी को कर्स कर रहे हो अपने तरफ से, भगवान की तरफ से नहीं अपने तरफ से, तो आप एक्सक्लेमेशन लगाओगे. साइन को देखकर पता चल जाएगा क्या लगाया है. ठीक है, श्राप देती हूँ मैं तुम्हें, श्राप देती हूँ तो एक्सक्लेमेटरी है. भगवान तुम्हें श्राप देता है तो ऑप्टेटिव है. ठीक है कल्पना, वेरी गुड, बढ़िया. तो ये थे हमारे पास कुल टोटल 10 प्रकार के सेंटेंसेस. ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं तुम्हें. सेंटेंस का टाइप है अपने पास डेक्लरेटिव, घोषणा करना, इम्पेरेटिव, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देना. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंक्वायर कर रहे हो, सवाल पूछ रहे हो. एक्सक्लेमेशन में इमोशंस दिखा रहे हो. अफर्मेटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव सवाल, नेगेटिव चीजें. एम्फेटिक में जोर दबाव देना. ऑप्टेटिव में ब्लेसिंग्स या विशेस देना. असर्टिव में हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ बताना या फैक्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नकारात्मकता भी हो और सवाल भी हो. ठीक है, किसी ने लिंक बना लिया क्या, टेलीग्राम का चैनल बना लिया, जल्दी बताइए. सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कल करेंगे, अभी कुछ सवाल करते हैं इस पर आधारित. देखो ये सेंटेंस का कुछ, अच्छा ये नहीं है, आज ये नहीं पढ़ना आपको. आज आपको सिर्फ एक ही हैंड आउट पढ़ना है, वो है ये. ठीक है, आपने देख लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. ठीक है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की कहानी कल बताएंगे. अब सब्जेक्ट है क्या, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हमने. फ्रेजेस क्लॉजेस कल बताएंगे. ठीक है, अभी आपको क्लॉजेस की जरूरत तब पड़ेगी जब मैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बताऊंगी. फिर उसके बाद आपका ये इंट्रो, ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे. ठीक है, इसके बारे में एक बार आप देख लीजिएगा. अब इसके कुछ सवाल आ जाएंगे आपके पास में, बताइए. पहला सवाल, क्या नेम है दीपक, बताएंगे जरा एक बार. मैं फिर सबके लिए टैग कर देती हूँ. तालाब जी नहीं, नंबर नहीं लगता, एक बार देख लेते हैं. D SSSB की लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, यहाँ पर करना बेनिफिशियल रहेगा या फिर रिकॉर्डेड सेशंस ठीक रहेंगे. लाइव, लाइव मैं हर एक स्टूडेंट से विनम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज लाइव अटेंड करने का ट्राई करो. क्वेश्चन मार्क से अगर कोई सेंटेंस एंड होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ए इजी क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, एक सेंटेंस जो एक ऑर्डर या कमांड दे उसको क्या बोलोगे. तीन ही ऑप्शंस है, ऑर्डर या कमांड दे. दीपक जी ग्रुप का नाम बता दीजिए एक बार, और हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, यहाँ पे तो कोई शर्म होनी नहीं चाहिए. इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो, अभी अभी बताया था. अच्छा, फंक्शन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या है बताओ. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या है. डिक्लेरेटिव मतलब था पहला वाक्य था घोषणा करना, इसमें कोई सवाल नहीं करते हो, आप बताते हो. टेल, यू टेल और यू शेयर एन इंफॉर्मेशन. ठीक है, सरप्राइज वालों, आस्क वालों, आंसर वापस ले लो और ध्यान से समझ लो. नेक्स्ट, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजुअली किसके साथ खत्म होता है, किस पर एंड होता है. फुल स्टॉप और पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या किस पर, जल्दी बताएंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस पर एंड होएगा. एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होएगा डेफिनेटली. नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन एंड बी क्वाइट क्या है ये. सिट डाउन एंड बी क्वाइट, 55 तक करेंगे सवाल. सिट डाउन एंड बी क्वाइट, व्हाट इज इट. इंपेरेटिव है, ऑर्डर दिया गया, कमांड दी गई है, इसलिए. चलिए ये बताएंगे, मिसेस विलियम्स वेंट टू द स्टोर, किस प्रकार का वाक्य है ये.
ऑप्शंस देके बता सकते हो, ये तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल. यिक्स, आई फील टेरिबल दैट यू गॉट इनटू एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग. बहुत बुरा लग रहा है मुझे. कौन से प्रकार का वाक्य है ये? बिना ऑप्शन दिए आंसर दे दो. पूर्णिमा सिंगला का आंसर आ गया, बाकी लोग भी आंसर दे दीजिए फटाफट से. एक्सक्लेमेटरी, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, पढ़ाने के बाद तो आ ही जाना चाहिए. वेयर इज द स्कूल किस प्रकार का वाक्य है? बिना ऑप्शन के आंसर. वेयर इज द स्कूल, स्कूल कहाँ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव. स्मोक अलार्म बैटरी शुड बी चेंज्ड एट लीस्ट वंस अ ईयर. थैंक यू दीपक. अच्छा, दीपक कुमार ने ग्रुप लिया है बीपीएससी पीआरटी इंग्लिश बाय निधि मैम. देख लेते हैं एक बार. नहीं मिल रहा भाई हमें तो. आप इधर ग्रुप में क्यों नहीं ऐड कर रहे हो लिंक को? हमारे लिए कितना आसान हो जाता बेटा. ग्रुप में ऐड कर दो. कैपिटल में टाइप कीजिए. देखो नहीं आ रहा बेटा, नहीं आ रहा, वरना आ जाता. कैपिटल का कोई लोचा नहीं है. यहाँ दीपक टाइप कर रहे हैं आई गेस. नहीं कर पा रहे क्या? मुझे पर्सनल पे भेज दो अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पे ग्रुप में मेरे नाम सर्च करके. स्लो, ठीक है भाई, कल से स्लो करवा देंगे. टेलीग्राम बंद तो जाए, तभी तो पीडीएफ डालू मैं सारी. चलिए तब तक मैं क्लास में पीडीएफ दे देती हूँ आज की. एक हैंडआउट है, एक वैसे मिल जाएगा. दो हैंडआउट दूंगी आज की क्लास के. एक तो ये रहा. एक मिनट से. चलो भाई, टेलीग्राम ग्रुप भाई तुम लोग भेज पा रहे हो कि नहीं भेज पा रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, अब हैंड आउट हो जाएगा, डाउनलोड कर लो यार ये सारे एप्लीकेशन. WPS ऑफिस कर लो, PDF कोई भी डाउनलोड कर लो फोन में, हो जाएगा. आपने मुझे ऐड किया है, यहाँ पे क्यों नहीं आ पाया ये पर्सनल पे?
चलिए ठीक है, हम कल बात करते हैं टेलीग्राम पे, इसी बहाने कल स्टूडेंट्स आ भी जाएंगे, टेलीग्राम में ऐड होना तो कल आ जाना, हैंड आउट में वहीं पे शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। एक चीज़ याद रखना, बीपीएससी के हम इस जर्नी में आए हैं, क्लास का दूसरी क्लास का टाइम हो गया और आज मैंने आपका टाइम भी लिया अच्छा खासा। देखो सक्सेस जो है ना, छोटे छोटे कदम से ही बड़ी सक्सेस मिलती है, तो इसके लिए अगर ये वीडियो पसंद आया, ये मेरी पहली क्लास अच्छी लगी, तो आप लाइक और शेयर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं मेरे जाने के बाद, ठीक है? तो मेरे जाने के बाद इस क्लास को फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।